ओके सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल रिव्यू होने वाला है, इसलिए तुम्हें इस वीडियो को आराम से देखना और धीरे धीरे करके समझना। तो अपन स्टार्ट करते हैं लाइफ के उस छोटे से फेस से जिसमें तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्बैट चल रहा होता है और उस कॉम्बैट के साथ साथ तुम्हारे अंदर हिडन पेन भी है। अब उस हिडन पेन को लेके तुम अपनी लाइफ में कैसे कॉम्बैट लड़ते हो, कितने ग्रैटिट्यूड के साथ, कितनी काइंडनेस के साथ, ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। देखो जैसे तुम्हारी फैमिलीज है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, तुम उनकी लाइफ में कितना ज्यादा सपोर्टिव हो रहे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी कन्वीनियंस की वजह से उनकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से मोल्ड करे जा रहे हो। देखो ऐसा बोल सकते कि तुम अगर अपनी लाइफ को कंटेंटमेंट की तरह जियोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वन थिंग लेड टू अदर का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उसका कॉन्सिक्वेंस तुम्हारी लाइफ में जरूर होके रहेगा। और मैं तुम्हें कोई संदीप महेश्वरी की तरह ज्ञान नहीं बांट रहा हूं मैं, अगर तुम्हें इस मूवी के प्लॉट और इसके सिनेरियो को अच्छे से समझना है तो जो मैंने अभी बातें एक मिनट में कही हैं वो तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। लाइक जो तुम्हारी लाइफ है वो एक कॉइन की तरह है जिसके दो फ्लिप साइड है, एक साइड में पूरा मीनिंगलेस सिचुएशन है और एक साइड में तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर तुम अपने सब कुछ वाले साइड को अच्छे से समझ गए और उसको एक मीनिंगलेस वे में करते रह गए तो तुम्हारी लाइफ में इतना ज्यादा फ्रीडम आ जाएगा कि जिसको देख के तुम सोचोगे कि अपनी लाइफ में आगे करना क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास चीजें बहुत करने को होंगी और तुम्हारी लाइफ में एक मोटिव भी आ जाएगा। इट्स लाइक द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टाइटल विच इज एवरीथिंग। हमारी लाइफ में हमें सब कुछ चाहिए होता है और बहुत लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। चलो इन सारी की सारी बातों को हम ना मूवी के प्लॉट के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। इस मूवी के प्लॉट में बताया गया है कि एक विमेन है जिसका नाम है एवेलिन, वो एक बहुत ही बोरिंग सी ना लॉन्ड्रोमैट ओनर रहती है। उसका जो IRS है, जो बेसिकली इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, उसका एक टैक्स ऑडिट चल रहा होता है, इसलिए उसको बुलाया जाता है। अब वहां पे वो अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी कैबिन के अंदर, अब वहां पे वो इनकाउंटर करती है एक दूसरे ही हस्बैंड से, और जो हस्बैंड है वो चाहता है कि एवेलिन उसकी हेल्प करे किसी एक मिशन के अंदर। वहां एग्जैक्ट मोमेंट पे पूरा प्लॉट ही पलट जाता है पूरी मूवी का। अभी तक मूवी बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही थी और एकदम से स्विच हो जाती है। और मूवी में अगर प्रोटैगनिस्ट आ ही गए तो यार विलन भी अच्छा चाहिए हमें मूवी में, तो उसमें हमें मिलता है एक जोबू टोपाकी का कैरेक्टर जो कि दूसरे मल्टीवर्स से आई हुई रहती है। अब वो कौन है, उसका क्या मोटिव रहता है, वो तो तुम्हें मूवी में ही देखना चाहिए, क्योंकि वही एग्जैक्ट सस्पेंस है। इसलिए मैं तुम्हें बस टेक्निकल टर्म्स ही बताऊंगा, मैं तुम्हें इसमें सस्पेंस रिवील नहीं करने वाला, इसलिए तुम आराम से मूवी को बाद में भी देख सकते हो और इस वीडियो को पूरा आराम से देख सकते हो, बिल्कुल भी स्पॉइलर मैं नहीं देने वाला हूं। अब इस मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है वो कैसे ट्रांसवर्स करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने ना वर्स जंपिंग कहा है, और इस वर्स जंपिंग के कॉन्सेप्ट को वो कितने प्यारे तरीके से बिलीवेबल बना सकते थे, उस वजह से जो कटिंग है CGI होता है उसका बहुत अच्छे से यूज किया है। देखो मूवी का जो स्क्रीन टाइम है वो टोटल 2.5 घंटे है, फिर भी वो बिल्कुल भी अपने पेस से बिल्कुल भी बिखरती नहीं है। लाइक उसका जो जितना भी सिनेरियो होता है, जितना भी प्लॉट होता है, उसका प्रोग्रेशन हमें आराम से समझ में आता है। मुझे ये चीज फिल्म मेकर्स की बहुत ज्यादा पसंद आई थी कि उनके पास एक बिजार सा आइडिया है, अब उसको उन्होंने सारी चीजें भर भर के नहीं दिखाई हमें, उन्होंने ये तक इंश्योर किया कि जितने भी थॉट प्रोवोकिंग सिनेरियोस हो सकते हैं, जितने भी इमोशनली रेजोनेंट थीम्स होती हैं, उसको वो अच्छे से स्टोरी के अंदर प्रिवेट कर पाए। देखो जैसे प्लॉट के अंदर ही बहुत सारे एंगल्स चल रहे थे, तुम्हारी स्टोरी है, फिर वो लोग मल्टीवर्स को ले आए, अब उस मल्टीवर्स को समझाने के लिए दूसरी स्टोरी लाइन को ऐड किया और उसको ज्यादा खराब ना कर दे इसलिए एक इमोशनल कनेक्शन भी डाला है, जिसकी वजह से ऑडियंस भी डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए और उनकी स्टोरी लाइन भी अच्छे से बन जाए। देखिए कोई वॉर बेस्ड मूवी नहीं है, ये पूरी की पूरी मूवी एक फैमिली के अंदर ही बेस्ड है और वो फैमिली कितने मल्टीवर्सेस में ट्रैवल करती है ये देखने लायक है मूवी में। दिस इज लिटरली वन ऑफ माय टॉप 10 फेवरेट साईफाई मूवीज, क्योंकि यार इसमें जितने भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक्सप्लोर किया और डिफरेंशिएट भी किया है, मतलब इतना तो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में भी नहीं देखा था। उन लोगों ने मल्टीवर्स को इतना एक्सप्लोर नहीं किया था जितना इन्होंने कर दिखाया है। देखो मैं बायस्ड होकर बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा हूं, मतलब मैंने जो एक मूवी में परफेक्शन देखा है ना वो मैंने किसी भी साईफाई मूवी जो मल्टीवर्स को दिखाती है उसमें नहीं देखा है। देखो वो वाली मूवीज होती है वो अपने आप को बहुत सीरियसली लेती है, पर ये एक ह्यूमर बेस्ड मूवी है और उसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक तरीका था। देखो पहले तो एक इलेक्ट्रीफाइंग टारगेट ऑडियंस को उन्होंने कैप्चर किया, उसके बाद जितने भी इमोशनली सोशल मीडिया रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको भी दिखाया, उसके बाद जो साईफाई एपिक एलिमेंट्स होते हैं जो एक हार्ट वार्मिंग फैमिली के अंदर कल्ट चलता रहता है, वो एक कटिंग एज विजुअल इमेजरी के साथ उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली नरेटिव क्विक्स के साथ हमें दिखाया। बाप रे क्या बोल गया मैं, मुझे खुद समझ में नहीं आया, चलो फिर से इसको करते हैं। देखो यार आसानी से बताऊं तो ये मूवी है, उसकी एक स्टोरी लाइन है, वो स्टोरी लाइन को इतना ज्यादा केओटिक बनाने की कोशिश कर रहे थे पर वो इतने बैलेंस वे में बन रहा था कि मजा आ रहा था मूवी को देख के। लाइक इतना एक खतरनाक सा कॉन्सेप्ट है फिर भी वो कम्प्लीटली डाउन टू अर्थ लगता है और बिल्कुल भी बिलीवेबल लगता है कि हाँ यार ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। लाइक इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है और जो एक्सप्लोरेशंस हैं वो प्रॉपर इस मूवी को बहुत ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करते हैं। हर चीज ले लो यार, जैसे लाइटिंग ले लो, कैमरा एंगल्स ले लो, साउंड ट्रैक ले लो, शॉट्स ले लो, जो एक रियल सेंस क्रिएट करते हैं एक केओस के अंदर और उसको जो एक मिरर करते हैं प्रोटैगनिस्ट के करंट स्टेट ऑफ माइंड से और उसकी जो एक लाइफ
से वो बहुत ज्यादा बिलीवेबल है। लाइक आई नो मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा बिलीवेबल टर्म यूज कर रहा हूँ, पर वो एक्चुअली था भी यार। मतलब तुम खुद मूवी को देखोगे ना तब तुम्हें मेरा वो इमोशन समझ में आएगा जो मैंने अभी फील किया है। विदाउट अ डाउट इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग मूवीज आई हैव एवर वॉच्ड। इसके जो एलिमेंट्स है, इसके जो विजुअल सिनेरियोज है, उसको भी कितने अच्छे तरीके से कल्मिनेट किया उन्होंने, और जो एक हिलेरियस प्रोफोलिक और एक डीपली प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो तुम्हें इस मूवी के अंदर भर भर के मिलेंगे। देखो अगर फिलोसॉफिकल टर्म्स में देखोगे तो मैसेज मूवी का बहुत ही सिंपल था, क्योंकि इट इज अबाउट फैमिली एंड लव, पर उसको कितने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वो लोग डाल सकते थे, इतना एग्जैजरेट करके उन्होंने एक यूनिवर्स हॉपिंग सिचुएशन दिखाई है। जितने भी तुम्हारी इंसैनिटीज होती है उसको भी उन्होंने क्रॉस कर दिया है, और जितने भी तुम्हारे मूवी के कैरेक्टर्स हैं उनको एलिवेट करके एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर में बनाना, विच इज वेरी अमेजिंग फॉर द मूवी। और मैं तुम्हें ये भी जरूर बताना चाहूंगा दैट दिस मूवी इज एक्चुअली नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि तुम्हारे जितने भी एक्सट्रीम टॉपिक्स होते हैं, जैसे तुम्हारा एग्जिस्टेंशियल और जो तुम्हारा कॉस्मिक निहिलिज्म होता है, और जो एक गुड मदर और एक जो गुड वाइफ सिचुएशन होती है, उसमें तुम्हारे जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग हेरिटेज ट्रेडिशंस होते हैं, एनवायरमेंट होते हैं, और जितने भी अलग उसके लाइफ में सिचुएशंस होते हैं, वो कितने अच्छे से उन चीजों को मैनेज कर पाती है, वो इस मूवी के कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट में तुम्हें मिलेगा। मुझे याद है मैं अपने 8-10 दोस्तों के साथ ये मूवी देख रहा था, उसमें से दो लड़कियां तो रोने ही लगी थी और अपने आप को कंसोल करने लगी थी। मैं खुद बहुत ज्यादा प्रोफाउंड हो गया था और बहुत ज्यादा स्टंड हो गया था साइलेंस में। मतलब मुझे सोच के यही लग रहा था कि यार इतनी छोटी सी स्टोरी है, इतना छोटा सा प्लॉट है, उसको इतना ज्यादा एग्जैजरेट करके इतना अच्छा मैसेज देना, विच इज वेरी गुड। लाइक मैं इस मूवी के एग्जैजरेशन को खुद इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो खुद ही अपनी इतनी तारीफ कर देती है, तो मैं उसके क्या ही तारीफ करूँ। एनीवेज इस मूवी के रिलीज डेट के मैंने बहुत टाइम बाद इसके रिव्यू को बनाया, क्योंकि यार इंडिया में बहुत लोगों ने मूवी नहीं देखी थी। बस मेरे बहुत सारे दोस्त और लोगों ने ना मुझसे बात की थी इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने मुझसे ये चीज जरूर पूछी थी कि इस मूवी में ऐसा क्या है कि इस मूवी को लोग नहीं पसंद करेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि इस मूवी की जितनी जो पेसिंग है वो बहुत ज्यादा जारिंग है। मतलब एक जो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है ना, वो उन्होंने इस मूवी में नहीं डाला है, जो कि एक्चुअली इसका एक प्लस पॉइंट है, पर वो बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एक वैसी स्टोरी नहीं है जो कि एक मार्वल प्रॉपर जो मूवी होती है ना, जो एक प्रोफाउंड मूवी होती है, वो ऐसी मूवी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यार मार्वल जो अपनी मूवीज बनाता है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर, वो बहुत ज्यादा नुआंस्ड होती है, और ये मूवी बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेटरी है। तो इस मूवी को तुम अलग से एंजॉय करो, बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर तुम्हें अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है इस मूवी के प्लॉट को लेके, तो तुम कमेंट्स में मुझसे और भी चीजें जरूर पूछ सकते हो। एंड आई गेस आई एम रेटिंग दिस मूवी 8.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।